वेलकम बच्चों, मैं दुला चंदास एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। जी हां बच्चों, आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं यूनिट 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त, चैप्टर 1.1 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का अर्थ है रिश्तेदारी, रिश्ता नाता। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ाई करेंगे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वन डे सूरज वॉज सिटिंग इन हीज किचन गार्डन विथ हीज मदर। एक दिन सूरज अपनी मम्मी के साथ किचन गार्डन में बैठा हुआ था। हीज मदर वॉज गोइंग थ्रू ए फैमिली एल्बम। उसकी मम्मी एक फैमिली एल्बम, पारिवारिक एल्बम देख रही थी। इट वॉज लीजर टाइम फॉर हर। यह उसका फुर्सत का समय था। सूरज वॉज ऑल्सो इंगेज विथ लुकिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ द डिफरेंट पीपुल। सूरज भी उनके साथ देखने में लग गया अलग अलग लोगों को। ही आस्क्ड अबाउट द फोटोग्राफ्स विथ हीज मदर। वह अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि उसके साथ और कौन कौन है। मदर टोल्ड हिम विथ मॉइस्टेंड आई दैट आवर फैमिली वॉज ए जॉइंट फैमिली बैक लॉन्ग। आगे में लिखा हुआ है, उसकी मम्मी भरी हुई आंखों से उसको बतलाती है कि उनका फैमिली एक जॉइंट फैमिली था। लुक दे आर योर ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव्ड इन नालंदा। कि देखो, यह तुम्हारे पर दादाजी हैं जो कि नालंदा में रहते थे। ही हैड टू सन्स। उनके दो बेटे थे। वन इज योर ग्रैंड फादर एंड हियर इज योर ग्रैंड अंकल। एक जो तुम्हारे दादाजी हैं और दूसरे उनके भाई हैं। बोथ आर सेटल्ड इन पटना ड्यू टू एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। वे दोनों शिक्षा की आवश्यकता के लिए पटना में बस गए। दे लिव इन डिफरेंट हाउसेज देयर। वे वहाँ पे अलग अलग घरों में रहते थे। दिस फोटोग्राफ्स आर ऑफ योर थ्री अंकल्स एंड आंट्स लिविंग इन दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई। ये तुम्हारे तीन चाचा और चाचियों के फ़ोटो हैं जो दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में रहते हैं। वन ऑफ योर आंट इज ए डॉक्टर इन एम्स एट दिल्ली। उसमें से तुम्हारे एक चाची एम्स दिल्ली में डॉक्टर हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर इन स्टेट यूनिवर्सिटी एट चेन्नई। और दूसरा चेन्नई के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वी विल मीट अगेन इन कमिंग समर एट नालंदा वेयर योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव अरेंज्ड पूजा फॉर ऑल ऑफ अस वेल बीइंग। आने वाले गर्मी में हम लोग फिर से सभी से नालंदा में मिलेंगे, जहाँ तुम्हारे दादाजी हम लोगों की मंगल कामना के लिए एक पूजा का व्यवस्था किए हुए हैं। यू विल फाइंड हियर दैट आवर फैमिली हैज़ गुड स्टेटस इन द सोसाइटी। तुम वहाँ पे देखोगे कि हमारे परिवार का समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठा है। अर्लियर पीपुल यूज टू लिव एट वन प्लेस फॉर मैनी जनरेशन। पहले के लोग एक ही जगह में कई पीढ़ियाँ बिता देते थे। Nowadays people shift to new places due to। आजकल के लोग नए जगहों में शिफ्ट हो जाते हैं, इसके कारण होते हैं। No adjustment within a joint family। लंबे फैमिली में वे अपना तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। Natural calamities like flood, earthquake, tsunami etc। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, भूकंप और सुनामी। Anthropogenic man-made regions like tourism, war, industrialization etc। मानव निर्मित द्वारा कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि टूरिज्म, पर्यटन, युद्ध और औद्योगिक धंधे इत्यादि। बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। अच्छी नौकरी और अच्छे शिक्षा की अवसर की तलाश में। फैमिली डिस्प्यूट, पारिवारिक विवाद के कारण। ट्रांसफरेबल जॉब, ऐसे जॉब होते हैं जिसमें ट्रांसफ़र होते रहता है। व्हेन पीपुल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन ए कंट्री दे आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने ही देश में जाते हैं तो उन लोगों को माइग्रेंट्स कहते हैं। माइग्रेंट्स का अर्थ होता है प्रवासी। व्हेन पीपुल मूव टू सेटल इन अनदर कंट्री दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। जब लोग अपने देश से दूसरे देश में बस जाते हैं तो ऐसे लोगों को इमिग्रेंट्स कहते हैं। इमिग्रेंट्स का अर्थ होता है उत्प्रवासी।
When people move to settle in our country from other are called immigrants. जब लोग दूसरे देश से आके हमारे देश में बस जाते हैं वैसे लोगों को इमिग्रेंट्स अर्थात अप्रवासी कहते हैं. When people are forced to leave their country and take shelter in other country for survival, they are called refugee. जब कोई व्यक्ति को उसके देश से बलपूर्वक निकाल दिया जाता है और वह दूसरे देश में अपने जीवन यापन के लिए रहता है वैसे लोगों को रिफ्यूजी अर्थात शरणार्थी कहा जाता है. माइग्रेशन हैज सर्टेन इफेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल. माइग्रेशन प्रवासीकरण निश्चित रूप से लोगों के जीवन में प्रभाव डालता है. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. यह सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है. When migration takes place due to better job and educational opportunity, it results in improvement in lifestyle, culture and cooperation. जब प्रवासी अच्छे जॉब और शिक्षण अवसर के लिए होता है तो यह जीवन शैली संस्कृति और सहभागिता की भावना में इम्प्रूवमेंट सुधार लाता है. बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रेन फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन देयर चेंजिंग स्कूल. ठीक उसी समय बच्चों को अपने स्कूल बदली होने का समस्या से जूझना पड़ता है. दे लॉस द लव एंड केयर ऑफ देयर एल्डर्स एंड फील लॉनली. वे अपने बड़ों के प्यार और देखभाल को खो देते हैं, नहीं मिल पाता उन्हें और वह अकेला अकेला महसूस करते हैं. द ओल्डर जनरेशन ऑल्सो फील्स द सेम. और ओल्डर जनरेशन मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं वो भी इसी तरह से फील करते हैं, तन्हा अकेला अकेला महसूस करते हैं. सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज ऑल्सो ए फोर्स ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव परिवार के स्ट्रक्चर परिवार के ढांचा को बदल देते हैं. लुक अराउंड द सूरज फैमिली. सूरज के परिवार को देखिए. हिज ग्रेट ग्रैंडफादर इज लिविंग इन नालंदा. उनके परदादा उनके पूर्वज नालंदा में रहते हैं. हिज अंगर जनरेशन सेटल्ड इन पटना टू अर्न मनी एंड हैव बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन. और अगली पीढ़ी उनकी अगली पीढ़ी पटना में सेटल हो जाते हैं पैसे कमाने के लिए और बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए. नाउ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी देयर अंगर जनरेशन हैज शिफ्टेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. उनकी अगली पीढ़ी अच्छे अवसर के लिए महानगरीय शहरों में बस जाते हैं. इन मेट्रो सिटीज लाइफ स्टाइल इज बेटर देन अदर सिटीज एंड टाउन. महानगरीय जीवन शैली दूसरे छोटे शहरों के मुकाबले अच्छी होती है. द प्रोग्रेस ऑफ एनी प्लेस डिपेंड ऑन देयर अंग एंड टैलेंटेड पीपुल. किसी भी जगह की तरक्की वहाँ के युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर निर्भर करता है. इफ़ दिज अंग एंड टैलेंटेड पीपुल इमिग्रेट देन माइग्रेशन इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन. यदि ये युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति दूसरे देश चले जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं तो इसे मेगा प्लान कहते हैं. ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इज ए लार्ज अर्बन सेटलमेंट विच इज ऑफन द कैपिटल सिटी ऑफ ए स्टेट और ए कंट्री. एक महानगरीय शहर एक बहुत बड़ी शहरीकरण व्यवस्था को बसाता है. विच इज ऑफन द कैपिटल सिटी ऑफ ए स्टेट ऑफ स्टेट और ए कंट्री. जो कि प्रायः किसी राज्य का राजधानी या देश की राजधानी होता है. यहाँ पे चैप्टर 1.1 समाप्त हो जाता है. इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं तो आइए मैं आप लोगों को इसके आंसर बना के दिखाता हूँ. ये चैप्टर 1.1 रिलेशनशिप का क्वेश्चन आंसर है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए फैमिली. ए फैमिली इज नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी. वाई डिड सूरज ग्रैंड पेरेंट्स शिफ्ट इन पटना.
दे शिफ्टेड इन पटना टू हैव बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन. वाई डू पीपुल शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस. पीपुल शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन ए जॉइंट फैमिली. नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लूड अर्थक्विक सुनामी ईटीसी. मैन मेड रीजन्स लाइक टूरिज्म वार इंडस्ट्रियलाइजेशन ईटीसी. बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. फैमिली डिस्प्यूट्स. ट्रांसफरेबल जॉब. व्हाट आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन. पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हाट आर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन. चिल्ड्रेन फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन देयर चेंजिंग स्कूल. दे लॉस लव एंड केयर ऑफ देयर एल्डर्स एंड फील लॉनली. क्वेश्चन नंबर टू, डिफरेंटिएट बिटवीन. इनमें अंतर स्पष्ट करें. इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री. इमिग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री. नेचुरल क्लाइमेटीज एंड मैन मेड क्लाइमेटीज. नेचुरल क्लाइमेटीज. नेचुरल क्लाइमेटीज आर फ्लूड अर्थक्विक सुनामी ईटीसी. मैन मेड क्लाइमेटीज. मैन मेड क्लाइमेटीज आर पोल्यूशन ड्यू टू टूरिज्म वार इंडस्ट्रियलाइजेशन. माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी. माइग्रेंट्स. व्हेन पीपुल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन ए कंट्री दे आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. रिफ्यूजी. व्हेन पीपुल आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री एंड टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री फॉर सर्वाइवल दे आर कॉल्ड रिफ्यूजी. मेट्रोपोलिटन सिटीज एंड अदर सिटीज. मेट्रोपोलिटन सिटीज. इन मेट्रोपोलिटन सिटीज लाइफ स्टाइल इज बेटर देन अदर सिटीज एंड टाउन्स. हेयर मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर मच मोर बेटर देन अदर सिटीज एंड टाउन. क्वेश्चन नंबर थ्री में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लेंगे. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया है. ए नंबर में अंग टैलेंटेड पीपुल. बी पॉजिटिव नेगेटिव. सी नंबर में सोशियो इकोनॉमिक इल्डर्स. और यहाँ पे 1.1 चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है. और इसके आगे हम लोग पढ़ाई करने के लिए आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं.